47वां दिन है और सरकार ने 3.0 तीसरे चरण में लॉकडाउन लगा दिया है और ऐसे में देखा जाए तो तमाम, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, वह लोगों की मदद करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं वह जा रहे हैं। आज की इस कड़ी में जुड़ी हैं दर्शना सिंह। दर्शना सिंह का नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि आज इनको मुसहर बस्ती में लोगों के लिए यह आई हैं। और जहाँ तक विधायक की बात हो या सांसद की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, वे लोग तो तमाम तरह की राहत सामग्री भेज ही रहे हैं, लेकिन दर्शना सिंह का नाम भी जुड़ गया है। जी मैम, आज आपने राहत सामग्री बांटी है, कितने लोगों को राहत सामग्री बांटी है और क्या है आज का कार्यक्रम? देखिए, मुसहर बस्ती में हम लोग यहाँ आए फतेहपुर गाँव में, जो भी हमारी कोशिश हो रही है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक जो है, उनको कोई समस्या ना हो, उन तक राशन पहुँचे, उन तक फेस मास्क पहुँचे, उनके बीच हम जाकर ये बांटें और उनको समझाएं कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए साफ़ सफाई से रहें, क्योंकि इस कोरोना के महामारी के दौर में हम सब लॉकडाउन का पालन करते हुए और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और जो साफ़ सफाई करते हुए ही इस महामारी से लड़कर हम जीत सकते हैं। इस तरह से हम सारे लोग समय समय पर लोगों के बीच जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। लॉकडाउन का जो 47वां दिन है आज, और जहां तक देखा जाता है कि लॉकडाउन में जो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन भी है अपील कर रही है और सत्ता पक्ष के लोग भी अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि सांसद जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, आप भी अपील करने के लिए आई हैं, फिर भी लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जागरूकता का विषय है। हम सारे लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ माननीय सांसद जी, सभी लोग, हम सारे लोग ये बार बार अपील लोगों से कर रहे हैं कि चूँकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए, हम साफ सफाई से रहते हुए ही इस महामारी को दूर भगा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें जिंदा बनके रहें। क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की तमाम जिम्मेदारियां होगी, प्रदेश स्तर पे आपकी जिम्मेदारियां होगी, बावजूद चंदौली को ही आपने क्यों चुना? देखिए, प्रदेश स्तर पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो मेरा ये गृह जनपद है, तो मैं यहीं पे हूँ, तो बहुत बाहर तो कहीं मैं जा नहीं सकती, तो निश्चित तौर पर गृह जनपद है, मैं अपने गृह जनपद में समय समय पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोगों के बीच जाती रहती हूँ। और चूँकि मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोगों का काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ऑडियो ब्रिज के द्वारा, ऑनलाइन सारा काम हम लोग घर में बैठ के करते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा की टीम हमारी जो है उत्तर प्रदेश में हाथ से सूती कपड़े का मास्क बनाने का काम कर रही है। लगभग 8 लाख मास्क वितरित करने का काम महिला मोर्चा कर चुकी है। चंदौली चूँकि गृह जनपद है और एक राहत की खबर है, यहाँ के लिए अच्छी खबर है, चंदौली के लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि चंदौली अभी ग्रीन जोन में है, यहाँ पे कोई भी अभी इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। और चूँकि ये किसानों का जिला है, कृषि प्रधान जिला है, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि बड़े साहस के साथ हमारे यहाँ पे किसान भाई, हमारा पूरा जनपद अच्छे से काम करता रहा है और आगे भी ये ग्रीन जोन बना रहे, कोई संक्रमित व्यक्ति यहाँ ना होने पाए, इसकी पूरी कोशिश सभी को मिलकर करनी है, ताकि जो है चंदौली अपने आप में उदाहरण बन सके। सिंह है वो यहाँ पे मुसहर बस्ती में आई हुई थी, जो एक चंदौली का मुसहर बस्ती है, और यहाँ पे उन्होंने राहत सामग्री भी लोगों को बांटी है। चंदौली से अमीर।